नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। आइल्ट का पाकिस्तानी कब्जे में जाना अजय आहूजा मोमेंट। नरेंद्र मिश्रा, नई दिल्ली। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर भारत की ओर से हमला करने के बाद पाकिस्तान ने अगले दिन जो दुस्साहस किया और देश के एक पायलट अभिनंदन को अपने कुबले में लिया, उसे स्थिति और बिगड़ता दिख रहा है। जैसे ही विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि की, उसके तुरंत बाद उसे सुरक्षित छुड़वाने को लेकर हर स्तर पर कोशिश शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन्हें से अजीत डोभाल से इस मामले पर पूरी रिपोर्ट ली और पायलट को किस तरह पाकिस्तानी कैद से छुड़ाया जा सकता है, इसके लिए तमाम विकल्प और ऑपरेशन के बारे में जानकारी हासिल की। सूत्रों के अनुसार शीर्ष स्तर पर साफ फैसला लिया गया है कि पायलट को बचाया जाएगा और इसके लिए जरूरत होगी तो भारत और स्ट्राइक करने से पीछे भी नहीं हटेगा। शीर्ष अधिकारियों के अनुसार अगर पाकिस्तान ने पायलट अभिनंदन के साथ कुछ भी गलत किया तो वह अजय आहूजा मोमेंट होगा, जिसके बाद भारत ने 1999 में करके युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। कौन थे अजय आहूजा? 1999 में करगिल युद्ध के भड़कने के पीछे सबसे अहम कारण बना था भारतीय वायुसेना के अधिकारी अजय आहूजा की पाकिस्तानी सेना द्वारा हत्या। अजय आहूजा के जहाज को पाकिस्तान ने मिसाइल से तब मारा था जब वह अपने देश के अंदर ही थे। अजय आहूजा करगिल युद्ध से ठीक पहले 27 मई 1999 को गायब हो गए थे। वे इस ऑपरेशन का अहम हिस्सा थे जिसे उस इलाके में पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट पता लगाने के लिए किया गया था। अजय आहूजा इस ऑपरेशन में फ्लाइट कमांडर थे। जब वह पाकिस्तान सेना के मूवमेंट का पता लगा रहे थे तो उन्हें सूचना मिली कि उनके दूसरे साथी अपने मिग में आग लगने के बाद कूद गए। अपने साथियों का पता लगाने के लिए वह पाकिस्तान की सीमा में कुछ दूर तक चले गए। इसी दौरान एक मिसाइल उनके जहाज पर लगी और वे वहीं कूद गए थे। इसके बाद उनका देश के अंदर सभी से संपर्क पूरी तरह टूट गया था। बाद में खबर आई कि उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़कर गोली मार दी। यह साफ तौर पर यूएन के जिनेवा समझौता का उल्लंघन था। बाद में पाकिस्तान की यही गलती उस पर बहुत भारी पड़ी थी। इस बार सबक सीखेगा। भारत का मानना है कि इस बार भी पायलट को जिस तरह पकड़ा गया वह पूरी तरह गलत है। भारतीय रणनीति के अनुसार विदेश मंत्रालय भारत में पाकिस्तान के राजदूत के मार्फत एक डेडलाइन देगा जिसके अंदर वह अपने पायलट की वापसी मांगेगा। इस बीच भारत तमाम देशों को इस बारे में सबूतों के साथ जानकारी देगा। इसके बाद भी अगर पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता है तो भारत कुछ बड़े कदम उठा सकता है। भारत इसके लिए कितने दिन देगा इस बारे में शीर्ष स्तर पर तय किया। इस घटना के बारे में चीन में मौजूद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी जानकारी दी गई, जहां वह चीन को भी इस घटना के बारे में बताएंगी। भारत की साफ मंशा है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगा वह वैश्विक समुदाय को विश्वास में लेकर करेगा। साथ ही जिस तरह अभिनंदन को पाकिस्तान के पकड़ने के बाद जिस तरह देश के अंदर तीखी प्रतिक्रिया हुई है, उससे भी भारत सरकार की चिंता बढ़ी। सूत्रों के अनुसार देश के अंदर तीखी प्रतिक्रिया और उनके साथ हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद भारत ने दबाव बनाकर पाकिस्तान से उनके बेहतर होने के बारे में रिपोर्ट देने को कहा, जो देर शाम वीडियो के रूप में सामने आया।